इलाज वो भी परमानेंट, व्हाइट हेड्स हो या ब्लैक हेड्स हो, परमानेंट से मतलब हमेशा के लिए इलाज बताएंगे, बहुत ध्यान से फॉलो करना है ताकि आपकी ब्लैक हेड्स कभी दोबारा नहीं बने और इसको आप एक ही दफा इस्तेमाल कर पाए। तो इस शानदार रेमेडी को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। आपने खशखाश जो है वो लेनी है पंसार से, इसे पॉपी सीड्स भी कहते हैं, पंसार से किसी भी स्टोर से मिल जाएगी। इसके अंदर मट्टी डस्ट होती है, उसे आप कपड़े से अच्छी तरह से साफ कर लें क्योंकि इसे हमने स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद हमें ग्लू चाहिए, लकड़ियों के जोड़ने वाला, ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट से। तो आप ग्लू का छोटा पैकेट ले लीजिए, या कि आप मेरे पास पैकेट में था लेकिन मैंने इसे डिब्बे के अंदर रखा हुआ है ताकि ये ड्राई नहीं हो। तो हमें आप चाहे तो इस तरह से ही आधा चम्मच ले ले, या पहले इस आधा चम्मच में तकरीबन 5-4 बूंदे पानी की मिला लें। मैंने इसमें पानी थोड़ा साइड किया हुआ है ये ठीक से अप्लाई करने के लिए, आप वैसे भी इसके अप्लाई कर सकते हैं। आधा चम्मच खशखाश में मैंने आधा ही चम्मच ग्लू का मिला दिया। अब दोनों चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सेकेंड ऑप्शन में हम वो गून भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कागज पेपर वगैरह जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पतली होती है, उससे अप्लाई करना या बाद में रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है। ये ऑप्शनल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, दो चीजें बस हमें चाहिए और आपको बता देते हैं कि आप इस्तेमाल किस तरह से करना है। जब तक मैं सब्सक्राइब कर रही हूँ, जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि यहाँ पे अपलोड होने वाली ऐसी ही शानदार रेमेडीज को आप मिस ना कर सके, और बेल के आइकॉन को दबाना नहीं भूलना। ठीक हो गया जी, अब दोनों को मिक्स करके आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि ये किस तरह का मिक्सचर या पेस्ट बन गया है। ठीक हो गया जी, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहली ऑप्शन तो ये है कि आप इसको ऐसे ही डायरेक्ट अप्लाई कर दें, तो मेरे हाथ के ऊपर चोट भी लगी हुई है लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, क्या करना है कि एक ये है कि आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करें, लेकिन ये होगा आपका आरजी तौर पर इलाज। मैं आपको परमानेंट तरीका बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपने गर्म पानी से स्टीम लेनी है। यहाँ पे कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि आप गर्म पानी में टावल पे गो के चेहरे के ऊपर 1-2 सेकंड के लिए रख लें जिम में शाम ओपन होगी, ऐसे ओपन जो है नहीं होते हैं आपके पोर्स। आपने गर्म पानी से स्टीम लेनी है, जो पुराना और सही तरीका था। उसको अपने सर को चेहरे को अच्छी तरह से ढांक लीजिए, एक पतीली में या पैन में पानी गर्म कीजिए, मुंह को थोड़ा ऊंचा रखिए, कोशिश करिए उस पानी के अंदर आप पुदीने की पत्तियां वगैरह शामिल कर लें या गुलाब का रस, कोई मसला नहीं। डायरेक्ट उस स्टीम को आपने लेना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। उसके बाद डायरेक्ट हवा में नहीं जाना, हल्के से टिश्यू के साथ चेहरे को पोंछ लीजिए, वॉश नहीं करना। उसके बाद बिल्कुल इस तरह से अप्लाई करना है जैसे कि मैं तरीका बता रही थी। अप्लाई करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको रगड़ना है ताकि स्क्रबिंग हो जाए, ये मसाम के अंदर जाए, इतना भी अंदर नहीं जाएगा, परेशान नहीं होना आप, ताकि ये अंदर जाके चिपके आपके ब्लैक हेड्स के साथ। खशखाश होने की वजह से बहुत प्यारी स्क्रबिंग होगी आपके चेहरे की। अच्छा जी, उसके बाद आपने 1-2 मिनट स्क्रबिंग कर लेने के बाद इस तरह से इसको अपनी जिल्द को सुखेड़ना है ताकि आपकी पोर्स के अंदर जाए, ब्लैक हेड्स जितनी भी गहराई में उनके साथ ये चिपक जाए। उसके बाद ड्राई हो जाएगा, इसको 20-25 मिनट आपने लगा रहने देना है, एकदम से लकड़ी की तरह ड्राई हो जाए। देन आपने एक सिरे से पकड़ के एकदम से इसको पुल कर देना, खींच देना। ठीक हो गया जी, उसके बाद मसाम को क्लोज करने का यानी लॉक करने का प्रोसीजर शुरू होगा। उसके लिए आप मलमल के कपड़े में बर्फ का टुकड़ा लीजिए और उसके साथ 15 मिनट मसाज करिए। 15 मिनट मसाज करना थोड़ा मुश्किल है, अगर आपके पूरे फेस पर है तो ये मुश्किल है, इनके साथ अगर आपके सिर्फ नोज पर है तो भी आप थोड़ी देर के लिए चंद सेकंड का इसमें वक्फा ले सकती हैं, उसके बाद फिर अप्लाई करें। वक्फे वक्फे से करें लेकिन 15 मिनट आप करिए लाजमी। अब ये मौसम अच्छा है क्योंकि हम परमानेंट इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्या आप यूं करिए, गुलाब के अरक को जमा लीजिए, बर्फ उसकी बना लीजिए, नहीं तो आप पानी की बर्फ या डबल माइंडेड हो जाते हैं। बस आपने सिंपल बर्फ लेनी है जो फ्रिज की होती है, मलमल के कपड़े में रखे, आहिस्ता आहिस्ता अपने स्किन के ऊपर उसको फेरते जाए
और उसके बाद आपने 10-15 मिनट, जब आपको एक ही दम से 15 मिनट नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से आप ब्रेक लिए, बीच में 15 मिनट बाद आप देखेंगे आपके जो है वो पोर्स बिल्कुल यानी कि मसाम बंद हो चुके होंगे, ताकि इसमें दोबारा मैल कुचल नहीं जाए। उसके बाद आपने रोजाना अपनी स्किन के हिसाब से कोई अच्छा फेस वॉश इस्तेमाल करना है। आपने जो है अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स बनते हैं तो उसका इलाज रखना है, अपनी स्किन की केयर करनी है, यानी साफ सुथरा रखना है स्किन को। इस एक तरीके को अगर एग्जैक्ट इसी तरह से आपने आधा घंटा अपने ऊपर लगा लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आपके दोबारा से ब्लैक हेड्स नहीं बनेंगे। और साथ में आपने लापरवाही नहीं करनी कि स्किन के ऊपर पिंपल्स बनते रहे या कुछ भी होता रहे, केयर करनी नहीं है, बाद में कहें जी ब्लैक हेड्स हो गए। अच्छी तरह से एक दफा इसको कर लीजिए, बाद में स्किन की केयर करिए तो आपको परमानेंट ब्लैक हेड से छुटकारा मिल चुका होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया जी, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच